तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक के बारे में। इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया जिसके वजह से अभी अगेन हमको यहाँ पे स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 8.37% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज की तेजी के साथ हमको यहाँ पे स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है ये पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 161 के लेवल के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेजी आती है तो यहाँ से और तेजी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 171 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक है 185, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में 225 और 250 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट स्टेप रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 161 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 152 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 144 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।